महर्षि कनड का नाम सुनते ही दिमाग में पहली बार आता है कि ये इंडियन है, मेड इन अदर कंट्री नहीं। मतलब ये कि ये एक इंडियन साइंटिस्ट की बातें कर रहे हैं। साइंटिस्ट या फिलोसफी, फिलोसफी और साइंटिस्ट में अंतर होती है। फिलोसोफर अलग है, साइंटिस्ट अलग है, ये मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। पहले ये जानकारी लेते हैं कि महर्षि कनड ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जिससे कि उनका नाम इतना आगे आने पे मजबूर हो गया। पहली बात मैं ये बता दूं कि महर्षि कनड का जन्म गुजरात के द्वारिका नगर के पास में हुआ था। इनके जन्म के बारे में बताया जाता है कुछ सूत्रों के मुताबिक, यहां तक कि गूगल ने भी ये बोल दिया है कि इट इज नॉट क्लियर। यू गो टू गूगल एंड सर्च अदर नॉलेज। मैं शुरू से ही बोलता हूं गूगल को फेवर करो सबसे ज्यादा, टीचर देन गूगल। तो वहां पे बता दिया गया था 6th और 4th BC में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, 4th BC और 6th BC में पहले कौन आया, 6th BC आया कि 4th BC आया? तो ये चीजें थोड़ा सा जानकारी रखो। 6th BC पहले आया था, 600 देन 400 देन 300 200 100 देन 0 देन 1 AD में आ गए हम लोग। तो एक बार महर्षि कनड अपने गार्डन में टहल रहे थे और एक सेब खा रहे थे। खाते खाते उन्होंने खरोचना शुरू किया सेब को। ये देखो, सेब से ही सारी चीजें शुरू होती हैं। सेब को खरोचते खरोचते उन्होंने सोचा कि जो खरोच के जो पार्ट्स निकाले हैं उसको और छोटा किया जाए, और छोटा किया, और छोटा किया, और छोटा। कुछ समय के बाद उन्होंने फील किया कि इसको जितना छोटा करते चला जाए ये उतना ही छोटा होते जा रहा है। इसका मतलब कभी भी ऐसा भी आएगा कि ये इतना छोटा हो जाएगा कि इसके बाद ये नहीं टूटेगा। मतलब जब तक उनको दिख रहा था तब तक वो तोड़ते जा रहे थे। मतलब उन्होंने एक फिलोसफी, मतलब एक सोच निकाली कि एक ऐसा पार्टिकल भी है, एक सोच थी उनकी, ये साइंटिफिक प्रूव नहीं था इसीलिए आगे चल के ये गलत हुआ था। उन्होंने एक सोच निकाली कि कोई ऐसा चीज है दुनिया में जो कि इतना छोटा है कि उसको तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से इन्होंने एक अपनी बुक थी वैश्विक दर्शन, वैश्विक दर्शन में इन्होंने एक लिखी लाइन्स एटम्स के बारे में कि सबसे छोटा पार्टिकल दुनिया में जिससे सब कुछ मिलके बना है उसको हम लोग परमाणु कहते हैं। इन्होंने ये टर्म दिया था अणु, अणु, अणु जो टर्म था, अणु टर्म वाज क्वाइंड बाय महर्षि कनद। महर्षि कनद को हम लोग आचार्य कनद भी कहते हैं। आचार्य कनद क्यों कहते हैं सर? बात अब यहाँ पे आती है कि ये एक फिलोसोफर होते हुए इन्होंने अपने 6 स्कूल्स ओपन किए थे। 6 स्कूल्स थे इनके जो जेन्युइन थे, और भी अलग स्कूल्स होंगे जो नाम नहीं होंगे। अब हर स्कूल्स का तो नाम होता नहीं, तो इनका एक वैश्विक स्कूल था, वैश्विक स्कूल। वैश्विक स्कूल्स का जो नाम था इतने फेमस हो गए थे वैश्विक स्कूल के नाम से। ये क्यों इतना फेमस था वैश्विक स्कूल? ये था, इसकी अलग ही फिलॉसफी थी, ये स्कूल का अलग फिलॉसफी था, अलग फिजिक्स था, मतलब अलग अलग सारी चीज़ें पढ़ाई होती थी, अलग जानकारियाँ मिलती थी, इस पर हर चीज़ों को जानकारी लिया जाता था, सोचा जाता था, इसलिए ये स्कूल्स बाकी स्कूलों से अलग थे। कनद ने एक बुक भी लिखी जिनके बारे में मैंने बताया भी, वैश्विक दर्शन। फिलोसोफर है तो बहुत सारी बुक्स लिखे होंगे, ये क्लियर है, लेकिन एक बुक वैश्विक दर्शन में ये सारी चीज़ें क्लियर की गई है कि कनद कैसे आइंस्टाइन, कैसे न्यूटन, कैसे जॉन डाल्टन से बहुत आगे की चीजें बहुत पहले लिख चुके थे, ठीक है। कैसे, यहां पे सुनिएगा थोड़ा। कनद के द्वारा सबसे फर्स्ट बार एटम के बारे में लिखा गया था, वो जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हर चीज दुनिया का सबसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं जिनको हम लोग परमाणु कहते हैं। हर चीज मतलब हर पदार्थ, मैटर्स जिसको हम लोग आज इंग्लिश में पढ़ते हैं, ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, क्लियर है ना। इसके बाद से बताया, वस्तुएं पदार्थ से मिलकर बनी होती है और पदार्थ परमाणु से, एक से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा हिंदी में लिखा गया था उस समय की बुक से, थोड़ा सा अणु परमाणु आ रहा है एटम्स। दूसरी बातें लिखेंगे, परमाणु अनंत है जो ऐसे पदार्थ की दुनिया का निर्माण करता है जो विभाजित नहीं किया जा सकता है या तोड़ा नहीं जा सकता है। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने बताया, पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा कारक ऊर्जा है। देखो अभी तक तो हम लोग 3 पॉइंट्स के बारे में देख रहे थे, लेकिन ये 14th पॉइंट जो आया पदार्थ की चेंजिंग के बारे में बताया कि ये पदार्थ की जो चेंजिंग होती है इसमें सबसे बड़ा कारक
ऊर्जा है, ऊर्जा बोले तो एनर्जी की बातें कर रहा है, एनर्जी की बातें कर रहा है। अगर मैं बोर्ड्स पर थोड़ी सी आ जाऊं तो मैंने बताया था अगर E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर देखा जाए तो ये आइंस्टाइन ने दिया था, ये 50 और 100 ईयर्स बैक की कहानियां है, अप्रॉक्स 100 ईयर बैक की कहानी है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आइंस्टाइन ने दिया था, बल्कि ये कनर ने उस समय बताया था कि पदार्थ को दूसरे पदार्थ में चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। ये आज हम लोगों की बातें हो रही है। करद ने उस बुक्स में ये भी लिखे थे, क्या लिखे थे कि एनर्जी को और पदार्थ को सेम चीज़ें बताई, एनर्जी एंड द मैटर्स आर सेम थिंग, मतलब एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर एंड मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। कनर, ये आइंस्टाइन का थियरी। डाल्टन्स थियरी अभी मैंने लिखवा दिया। इसके बाद से आती है, सर आपने न्यूटन्स के बारे में भी बात बोली थी, तो न्यूटन्स के बारे में ये रही। न्यूटन्स के बारे में ये लिखते हैं कुछ संस्कृत में ऐसा, जिसका साफ साफ अगर देखा जाए तो आप लोगों को मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर इसके हिंदी मतलब की बातें कर लिया जाए तो लिखा हुआ है कि मोशन अर्थात वेग पांचों द्रव्यों पर नियमित वो विशेष कर्म के कारण उत्पन्न होता है। मतलब ये एक्चुअली क्या है कि ये इंद्रियों के बारे में सोच के इसके बारे में लिखे थे कि मोशन तभी उत्पन्न होता है जब ये पांचों तत्व मतलब वो इंद्रियों के बारे में लिखे थे, लेकिन ये न्यूटन ने हर चीज पे लागू किए। तो देखना, इसमें विशेष कर्म के द्वारा मतलब कुछ काम करने के द्वारा ही लागू होगा, उत्पन्न होता है, तथा नियमित दिशा में क्रिया होने के कारण संयोग विशेष से नष्ट होता है या उत्पन्न होता है। तो ये हिंदी में थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आया होगा या थोड़ा सा नहीं आया होगा, ये एक्चुअली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बातें कर रहे हैं, जहाँ पे बोल रहे हैं कि मोशन अकर इन विच डायरेक्शन देयर इज द फोर्स, मतलब उस डायरेक्शन में मोशन होगा जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, और द मोशन कैन बी स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आई थिंक क्योंकि मैं केमिस्ट हूँ तो मैं फिजिक्स के बारे में उतना अच्छा तो नहीं, लेकिन अभी मैं ये तो बता ही सकता हूँ कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कितने हैं। क्लियर? तो ये चीज़ें महर्षि कनद ने हमको उस समय में दी थी, जिससे कि पता चलता है जॉन डाल्टन, आइंस्टाइन और न्यूटन्स की तीनों की खोज महर्षि वाल्मीकि आचार्य कनद ने ही कर दी थी। आचार्य कनद को हम लोग महर्षि कश्यप के नाम से भी जानते हैं, महर्षि कश्यप, आई थिंक तुम लोगों ने सुना होगा, फिर भी नहीं सुना होगा कोई बात नहीं, आज से थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करो, क्या है, कैसे है, क्यों है, ठीक है, सब पता चलेगा। इसके बाद जो एटम्स की आगे जो खोज होती गई उसके बारे में मैं बहुत पहले बता चुका हूँ कि एटम्स की खोज कैसे होती है, क्या थी पहले, कौन सा पार्टिकल्स था, कौन से पार्टिकल्स, ग्लूऑन्स क्या हैं, बोसोन्स क्या हैं, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर और ज़्यादा जानकारी चाहिए एटम्स में किस किस पार्ट्स में टूटा, किस किस पार्ट से बना, क्वार्क्स क्या है, अपक्वार्क्स क्या है, डाउनक्वार्क्स क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चार्जेस क्या हैं, मासेस क्या हैं, ये सारे के एक लिंक में है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको चेक करो और एक बार फिर से पूरे एटम्स को रीड करो। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बेस्ट ऑफ लक।